नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइट लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के कई मंत्री बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में लगातार बयान दे रहे थे। वन पर्यावरण मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो बकायदा अपनी एक निजी आर्मी डीएसएस के जरिए बाबा को एयरपोर्ट पर रोकने का ऐलान भी कर दिया था। विरोध और रोकारोकी तो हुआ नहीं। अब लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने बाबा से एक अर्जी लगाई है, वो भी अनोखे अंदाज में। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पटना में शनिवार को गजब का उत्साह दिखा, जब एयरपोर्ट पर भाजपाई केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामकृपाल यादव ने स्वागत किया, जबकि सांसद मनोज तिवारी उनके सारथी बनकर कार से होटल ले गए। एयरपोर्ट से होटल तक तेज प्रताप का संगठन धर्म निरपेक्ष सेवक संघ यानी डीएसएस कहीं नजर नहीं आया। तेज प्रताप यादव की आवाज पर भी वीरानी थी। शनिवार को शांति के बाद रविवार की सुबह रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आया है। इसमें रोहिणी आचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम वाले बाबा की चर्चा किए बगैर सीधे संबोधित किया पर्ची वाले बाबा। रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव को किडनी दी है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लालू भारत लौटे और वो पटना में ना केवल हैं बल्कि अपनी पार्टी के नेताओं के लिए एक दिन पार्टी भी दे चुके हैं और एक दिन निकलकर पटना हाईकोर्ट मजार पर भी घूम चुके हैं। ऐसे में रोहिणी ने पिता या परिवार के लिए बागेश्वर धाम वाले बाबा से कुछ नहीं मांगा। रोहिणी ने राजनीतिक मांग के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार और बाबा की भाजपाई निकटता पर कटाक्ष करते हुए लिखा, पर्चा वाले बाबा से यही हमारी विनती है, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी करनी पूर्ति है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइट लाइव।